अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो सिलेंडर दिए हैं, सेम मास के दिए हैं, सेम लेंथ के दिए हैं, सेम एक्सटर्नल रेडियस है, इनिशियली जो है वो इंक्लाइंड प्लेन पर रुके हुए हैं, ठीक है, जिसमें म्यू दिया है उसका क्या कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब कह रहा है दोनों हैज, ये जो हैज सेम वैल्यू फॉर द बोथ सिलेंडर, म्यू की वैल्यू दोनों सिलेंडर के लिए सेम, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऐसा कुछ है कि यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन है, हम लोग रोल कर रहे हैं सिलेंडर को, एक बार क्या कर रहे हैं एम्प्टी सिलेंडर को, एम्प्टी ट्यूब है और एक बार क्या है सॉलिड है, एक बार सॉलिड सिलेंडर है, दोनों को रोल कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर थीटा ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन सो दैट द नो सिलेंडर इज स्लाइडिंग, ठीक है, कोई भी सिलेंडर स्लाइड ना करे, है ना, इसके लिए क्या कंडीशन हो, ठीक है। तो आप एक चीज देखिए, अगर स्लाइडिंग की कंडीशन नहीं है तो अच्छा, अगर ये नीचे स्लाइड कर रहा है इसमें लग क्या कह रहा है, इसमें लग रहा है नीचे एम जी साइन थीटा, ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर लग रहा है फ्रिक्शन, है ना, ऊपर क्या लग रहा है फ्रिक्शन, ठीक है। और इसकी रेडियस हमने क्या मान ली, रेडियस मान ली है आर, ठीक है, इसकी रेडियस क्या मान ली है आर मान ली है, ठीक है। तो क्या एक कंडीशन ये लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए, एक कंडीशन तो ये लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल टू एम ए, ठीक है। अभी तो हम लोग जनरल बात कर रहे हैं, सॉलिड के लिए हो चाहे वो एम्प्टी के लिए हो, एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम। और दूसरी चीज अगर आप देखो तो एफ इंटू आर इज इक्वल टू एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई एल्फा, आई एल्फा, एल्फा की जगह ए बाई आर, ठीक है, ए बाई आर। अब यहाँ पे अगर हम लोग एम्प्टी ट्यूब की बात करें तो उसके लिए अगर आप देखो तो फ्रिक्शन की वैल्यू कैसी आएगी, यहाँ पे अगर हम लोग मान लेते हैं, अभी हम लोग किसके लिए निकालते हैं सॉलिड सिलेंडर, देखो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होता है एम्प्टी ट्यूब के लिए, ये रिंग बन जाएगा तो ये एम आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, रिंग के लिए एम आर स्क्वायर होता है। और इसके लिए क्या हो जाए, ये वाले सॉलिड सिलेंडर के लिए कितना हो जाएगा, सॉलिड सिलेंडर के लिए कितना होता है, ये होता है एम आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है। तो पहले तो हम लोग इसके लिए निकाल देते हैं इसका, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्सिया ज़्यादा है तो इसको रोकने के लिए, इसका रोटेशन मोशन रोकने के लिए हमको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो अगर आप यहाँ पे देखें, अगर एम आर स्क्वायर रखें इसके लिए, ये एम आर स्क्वायर और इन टू में क्या है ए बाई आर, और ये क्या है एफ इन टू आर, ये वाला आर, ये वाला आर, ये वाला आर, ये वाला आर, एफ किसके बराबर आ गया, एम ए के बराबर आ गया, एफ एम ए के बराबर आ गया। तो यहाँ पे अगर आप उठा के रख दें तो यहाँ से आप ये देख सकते हो कि जो टू यहाँ पे एम ए की जगह भी एफ लिख देंगे, ये एफ और ये भी आला एफ, इधर आ जाएगा टू एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टू एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। लिमिटिंग कंडीशन के लिए लगा देते हैं टू एफ मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी साइन थीटा, लिमिटिंग कंडीशन, तो टू एफ की जगह क्या लिख सकते हैं एम जी कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो म्यू भी लगेगा, यहाँ से आप देखो तो म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा टेन थीटा बाय। अब ये किसके लिए आई कंडीशन, ये कंडीशन उन्होंने निकाली जो ट्यूब था, है ना, एम्प्टी ट्यूब था, एम्प्टी ट्यूब, ठीक है। अब एम्प्टी ट्यूब के लिए क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ज़्यादा है तो फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर इसको हमने इसको अगर हम लोग स्टॉप कर ले गए, मतलब इसकी स्लाइडिंग रोक ले गए, तो उसकी स्लाइडिंग तो अपने आप रुक जाएगी, है ना, उसकी स्लाइडिंग, दूसरे की स्लाइडिंग अपने आप रुक जाएगी, ठीक है, क्योंकि अगर इसको रोक लेगा, क्योंकि इसका आई ज़्यादा था, एम्प्टी ट्यूब के लिए जो आई था वो ज़्यादा था और जो सॉलिड ट्यूब था उसके लिए आई कम था, तो फ्रिक्शन की वैल्यू उसके लिए ज़्यादा निकलेगी, इसके लिए फ्रिक्शन की वैल्यू कम निकलेगी। अगर ज़्यादा के लिए हम लोगों ने निकाल लिया तो इसका मतलब कम के लिए भी निकाल लिया, ठीक है, तो ज़्यादा के लिए जो कंडीशन आई वो कितनी है टेन थीटा बाई टू, तो कम के लिए भी यही कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा।